इस वक्त हम एसटीपीआई की 21st सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस के साइड इवेंट पर हैं और हमारे साथ डॉक्टर निसार चीमा मौजूद हैं. थैंक यू वेरी मच सर हमें टाइम देने के लिए. मैं क्विकली ये पूछना चाह रही थी कि आप PML-N के दौरे हुकूमत में, स्पेशली अगर रूरल पंजाब की मैं बात करूँ, तो हेल्थ सेक्टर में PML-N के क्या मेजर इनिशिएटिव थे जिसकी वजह से वहाँ की लोकल कम्युनिटीज ने फ़ायदा उठाया हो? देखिए मरियम, बात यह है कि मैं बड़े फ़ख्र के साथ ये कह सकता हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करता हूँ और साथ एक फ़ख्र का एहसास भी होता है कि मुस्लिम लीग नून के दौर में मियाँ शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला थे तो उनकी क़्यादत में वो काम हुआ है, वो कारनामे सर अंजाम दिए गए हेल्थ में जिनकी मिसाल इससे पहले पंजाब में बल्कि पूरे मुल्क में बहुत कम मिलती है, मिलती ही नहीं है. बल्कि सच्ची बात यह है कि इसको तो एक ये कहा जाता है कि पूरे साउथ एशिया में एक एग्जैम्पलरी एक कंट्रीब्यूशन रही है मियाँ शहबाज शरीफ की. और ऐसी सर्विसेज हैं कि जो हमेशा याद रखी जाएंगी. सबसे पहली बात यह है कि हेल्थ के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन बजटरी एलोकेशन, यानी इतना ज़्यादा बजट रखा गया जो इससे पहले कभी नहीं रखा गया. दूसरी बात ये कि तमाम हेल्थ फैसिलिटीज़ जो थी उनकी रीवैम्पिंग की गई, यानी बेसिकल यूनिट से लेके ऊपर तक. फिर ये है कि उनके BN के मुताबिक उनके डायरेक्शंस पे, इंस्ट्रक्शंस पे गैप आइडेंटिफाई किए गए कि हमारे मुख्तलिफ जो हैं वो सर्विस डिलीवरी में क्या गैप हैं, मुख्तलिफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप हैं, कुछ स्टाफ कमी की कमी है, इक्विपमेंट की कमी है, जहाँ जहाँ गैप्स आइडेंटिफाई हुए वो गैप फिल किए गए और इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम. फिर इसके अलावा हमने ये किया कि मेडिसिन जो थी पहली दफ़ा पाकिस्तान में ये क्वालिटी मेडिसिन जो हैं वो प्रोवाइड की गई और वो जो है इट वाज इंश्योर्ड कि ये मेडिसिन जो हैं वो लोएस्ट पॉसिबल लेवल तक हर बेसिकल यूनिट तक भी वो मेडिसिन जो हैं वो अवेलेबल हों. यानी क्वालिटी मेडिसिन जो थे वो पहली दफ़ा हमारी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ पर अवेलेबल हुई फॉर पुअर पेशेंट्स और इट वॉज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव. अच्छा, फिर इसके अलावा ये है कि जी इसको इंश्योर करने के लिए आपको पता है कि जी हमारे रूरल एरियाज़ में ख़ास तौर पे लोगों को, ख़वातीन को पता नहीं होता और उनके पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी नहीं होती और इस वजह से वह जब डिलीवरी जचकी का मौका आता है तो अनफॉर्चुनेटली उनको फिर ये है कि अनट्रेंड दाइयों के हाथों वो ये सारा करवाना पड़ता है और फिर उसकी वजह से माँ और बच्चे दोनों की सेहत और बाज़ औक़ात दोनों की ज़िंदगी भी ख़तरे में होती है. इसको एड्रेस करने के लिए रूरल एम्बुलेंस सर्विस शुरू की गई और वो जो वो इसलिए थी कि डिलीवरी के वक्त ख्वातीन पर्टिकुलरली ऑफ द रूरल एरियाज़ उनको ये फैसिलिटी हो कि वो उनको वो जो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो टू टेक देम टू द नियरेस्ट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी और अगर ज़रूरत हो तो उनको रेफ़र किया जाए THQ या DHQ तक. और ये फैसिलिटी जो थी वो छोटे जो बच्चे थे जो डायरिया या इस तरह की मीज़ल या इस तरह का कोई उसका शिकार हो जाए कॉलरा का, तो उनके लिए भी ये फैसिलिटी अवेलेबल थी. यानी छोटे बच्चों के लिए और प्लस ये है कि ये जो है माओ के लिए और माँ और बच्चे की सेहत के लिए ये इतना बड़ा इनिशिएटिव है कि इसकी हर जगह इसकी तारीफ़ तहसीन हो रही है. मतलब ये है कि हेल्थ के हर सेक्टर में और मुख्तलिफ आप प्रोजेक्ट देखें, यानी हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम हो, TB कंट्रोल प्रोग्राम हो, बाकी इस तरह के प्रोग्राम हो, ये माँ और बच्चे का तो जिस तरह मैंने गुजारिश की और ये इनके लिए इस तरह के इनिशिएटिव लिए गए, इस तरह के स्टेप लिए गए कि इनका फ़ायदा जो है एक आम गरीब आदमी को पहुंचा और उनको मेडिसिन जो थी उनके डोर स्टेप पे उनके घरों तक पहुंचाई गई.